गुड मॉर्निंग एवरी उम्मीद कर रहा हूँ आवाज आ रही होगी ठीक है थोड़ा सा मेरा हेडफोन खराब हो गया यार तो थोड़ा अपन मैनेज करके चल लेंगे इसे चलो ठीक है आवाज तो आ रही है मेरे को पता चल रहा है गुड मॉर्निंग बच्चा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चलो ठीक है आवाज तो आ रही है कोई समस्या नहीं है क्या बात है जनता आज कम है सब दशहरा मना रहे हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं गुड मॉर्निंग बच्चा गुड मॉर्निंग चलो भैया ठीक है सो so, शुरू करते हैं अपन लास्ट क्लास तक क्या पढ़ा था जरा मेरे को बता देना कि लास्ट क्लास तक हमने क्या पढ़ा था किसी को याद है क्या पढ़ा था लास्ट क्लास तक में सब गए प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ा था सास्वत या प्रिपरेशन बाय एल्कोहल पढ़ा था प्रिपरेशन बाय फ्रॉम अल्कोहल किसका प्रिपरेशन एल्काइल हेलाइट चल रहा था भाई भूलो नहीं याद दिला दे रहा हूं एल्काइल हेलाइट चल रहा था प्रिपरेशन बाय एल्कोहल था एल्कोहल अगर आपको दे दिया तो आप उससे अल्काइल हेलाइट कैसे बनाओगे ये अपन लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे

अगर बहुत ज्यादा बहुत जल्दी टर्बिलिटी मिला तो वो थ्री डिग्री है थोड़ा लेट लगा तो टू डिग्री है और भी लेट लगा तो वन डिग्री एल्कोहल है मुझे इतना बता दो कि ये जो लास्ट क्लास की जो सभा थी जो भी मैं जितनी चीजें मैंने अभी बोली इसमें किसी को समस्या है तो हैंडरेज कर दो कि ये चीज समझ में नहीं आया जादू हो गया देखो याद तो करना पड़ेगा इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है याद तो आपको करना पड़ेगा कि किस किस केस में क्या होता है लेकिन पॉइंट ये है कि यार याद करने के बाद भी नहीं समझ में आया फिर पढ़ाने के बाद भी नहीं समझ में आया तो समस्या है कोई भी ऐसा जिसको जेड एन सी एल टू के साथ टर्बिडिटी वाली चीज नहीं समझ में आई ऋतु बोलिए नहीं समझ में आई ठीक है ऋतु ऑडियो ऑन करो और यार देखो मैं ऑडियो ऑन किसी को ना इसलिए नहीं कराते क्योंकि मैं आ, मतलब मुझे बोलना होता है या डांटना होता है कुछ मतलब एक्चुअली मैं इलेवेंथ क्लास का एक दिन क्लास ले रहा था ठीक है सो ऑफलाइन ले रहा था मैंने बुला दिया बोर्ड पे आ जाओ बोर्ड पे आके सॉल्व करो रीजन सिंपल सा है बोर्ड पे बुलाने का वो ये कि अगर मैंने बोर्ड पे बुला के कोई चीज करा दी वो चीज जिंदगी भर याद रहेगी कभी भूलोगे नहीं उसको इसलिए मैं बोलता हूँ कि इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप खुद से जब बात करोगे ना मेरे से बात करोगे या बोर्ड पे आए करोगे ऐसे बोलोगे और उस समय जो मैंने आपको बताऊंगा वो जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे इसलिए मैं चाहता हूं ना कि जो चीजें आपको परेशान करती है ना वो चीजें याद हो जाए और उसका बेस्ट तरीका होता है कभी अगर याद रह गया ना कि एक बार सर से मैंने ये क्वेश्चन पूछा था तो उन्होंने ये आंसर दिया था जब मैंने बात किया था वो याद रहेगा मैं कितना भी पढ़ा दूंगा ना तो भूल जाओगे ये फैक्ट है इंसिडेंट्स याद रहते हैं किसी को चलो एनी वैसे बोले नहीं सर छोड़ दो ऐसे बता दो चलो ठीक है कोई बात नहीं मैं स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ और फटाफट अपन लाइट डिस्कस इस पर बार एक बार कर लेते हैं ठीक है जो लास्ट क्लास में पढ़े थे कहां गया हाँ ये था जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसमें हमने पढ़ा था कि भैया अल्कोहल से आप कैसे बनाइएगा तो अल्कोहल से बनाने का अपने पास तरीका ये था कि आप या तो PCl5 का यूज कर दो या PBr PCl3 का या SOCl2 का यूज कर दो उसके जगह भी यूज कर सकते हो RCL 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 बन जाएगा आपके पास इसके अलावा एक दूसरा जो तरीका था वो ये था कि भैया कोई भी अल्कोहल है उसमें HCl और ZnCl2 डालो तो RCL बन जाएगा

तो यहां थोड़ा स्लो होगा बोला था क्या कि अकॉर्डिंग टू लिव लिवकास्ट फास्ट टर्बिलिटी किसमें मिलेगी ये टू डिग्री है ये टू डिग्री है ये डिग्री है लेकिन ये कितना है थ्री डिग्री एल्कोहल है और अपने को पता है कि थ्री डिग्री एल्कोहल में टर्बिलिटी बहुत फास्ट मिलती है वन डिग्री में स्लोएस्ट मिलती है टू डिग्री में मीडियम स्पीड से मिलती है मुझे इतना बता दो कि कोई ऐसा जिसको इसमें समस्या है आदित्य यार ऐसा पॉसिबल होता तो मैं पक्का कर देता बट ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं ठीक है कोई भी ऐसा जो समझ में नहीं आया इसमें जादू हो गया ये जितने भी रिएक्शन सभी देखो ये याद करने पड़ेंगे याद रखो मतलब हम रट्टा मारना है आपको ये इसका कोई ऐसा ऑल्टरनेट नहीं है चलो एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं अभी ठीक है एक आसान सा क्वेश्चन कर लेते हैं अपने को बोला है एक एग्जाम्पल दिया है सी 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 और इससे जुड़ा हुआ है ओ एच ठीक है बोलता क्या है कि इससे मुझे बना लेना है बिल्कुल आसान एग्जांपल यार मतलब ऐसा बस समझ लो कि बस लास्ट क्लास को एक तरीके से फिर से दे दे रहा हूं मैं रिवाइज करने के लिए बीआर बोलते हैं यहां बीआर लगाना है बताओ इसमें क्या डालोगे तो ये बीआर बन जाएगा क्या डालोगे अपने को पता है भैया सोचना ही नहीं है अपने को इसमें क्या डाल लो चाहो तो पीबीआर3 डाल दो चाहो तो पीसीएल3 डाल दो चाहो तो ZnCl2 और HCl डाल दो कुछ भी डाल दो सॉरी अच्छा क्या बी आर लगा है यहाँ पे बी आर लगा लो यहाँ बी आर सॉरी यहाँ बी आर लगा लो यहाँ बी आर लगा लो क्या ही बोल रहा हूँ मैं पी वी आर फाइव डाल लो और चाहो तो यहाँ एच बी आर डालो और यहाँ पे बी आर लगा लेना ठीक है तो कहानी इतनी सी एक है कि भैया इनमें से अगर कोई भी आप डालोगे तो यहाँ बी आर लग जाएगा इस क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता था बोलेगा कि मुझे नहीं पता क्या ऐसी चीज है जिसमें पी वी आर थ्री डाला मुझे नहीं पता क्या ऐसी चीज है जिसमें पी वी आर थ्री डाला तो ये बन गया तो किस चीज में डालोगे तो ये बनेगा भैया पीबीआर थ्री अपने को पता है कि पक्का वो क्या रहा होगा एल्कोहल रहा होगा जहां पे कि ब्रोमीन लगा है वहां पे पहले क्या लगा होगा ओ एच लगा होगा कोई ऐसा है जिसको ये समझ में नहीं आया जादू हो गया बिल्कुल एनए बी आर एस भी यूज कर सकते आदित्य मोहन कोई मना नहीं है बच्चा एनए बी आर एस भी यूज करोगे तो चलेगा कोई दिक्कत नहीं है तो इस क्वेश्चन को कैसे भी दे सकता था ठीक है बोले अच्छा इसमें ये पूछेगा कि टर्बिडिटी मान लो अगर इसको CL2, HCL से रिएक्ट टर्बिडिटी कैसे मिलेगी फास्ट स्लो या मीडियम जल्दी बताओ मुझे टर्बिडिटी जो मिलेगी वो फास्ट स्लो या मीडियम मिलेगी गुड साक्षी प्रगति प्रीति शिवानी शुभम संजना अनिकेत गड़बड़ कर दिए ऋतिक आदित्य कुंदन रोशन गड़बड़ कर दिए अरे भाई गौर फरमाओ यहाँ पे ये एल्कोहल वन डिग्री का है वन डिग्री का मतलब क्या है ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से कनेक्टेड है तो वन डिग्री एल्कोहल है वन डिग्री एल्कोहल हमेशा टर्बिडिटी स्लो देता है देखो ये चिल्ला चिल्ला के मैं बोल रहा हूं मेरे भाई लोग ध्यान दो यहाँ पे यार क्या कर रहे हो यहाँ देखो ध्यान दो वन डिग्री एलकोहल स्लो टू डिग्री मीडियम थ्री डिग्री फास्ट चलेगा बोला है, no turbidity. हाँ, है, no turbidity भी बोल है ठीक यार भी सकते बट मैंने ये बोला था slow, fast, medium. ऐसा नहीं होता कि टर्बिडिटी मिलता ही नहीं है ये गलत होता है ऐसे नहीं बोलते बोलते ये है कि स्लो चलेगा बट हाँ अगर ऐसा ऑप्शन दिख गया तीन ऑप्शन है फास्ट या ऐसे ऐसा देगा इन मिनट विद इन फाइव मिनट्स विद इन आवर्स या नोटबिलिटी no तब नोटबिलिटी no बोल दो तो वो रेस्पेक्टिव टर्म है बेसिकली वो रेस्पेक्टिव टर्म है शाश्वत ठीक है कि आप कैसे कंडीशन बात करो इसलिए अपन स्लो यूज कर लेते हैं चलेगा कोई ऐसा है जिसको इसमें समस्या है नहीं इसमें कोई समस्या आप नहीं है आगे आते नेक्स्ट रिएक्शन इज फ्रॉम फ्री रेडिकल रिएक्शन फ्री रेडिकल रिएक्शन से आप कैसे हेलोजिनेशन कराते हैं

हम बनाते हैं एलकाइल हेलाइट देखो ये रिएक्शन यूज किया था पहली चीज ये रिएक्शन यूज किया था इसका मतलब क्या हुआ एल्केन से एल्केन से एल्काइल हेलाइट बनाना इस रिएक्शन का मतलब क्या हुआ एल्केन से एल्काइल हेलाइट बनाना उसी के लिए फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन करते हैं आसान भाषा में बहुत बहुत सिंपल सा रिएक्शन लिखा रहा हूं इसको एकदम ध्यान रखो बहुत सिंपल ज्यादा नहीं जा रहे हैं जितना काम का है उतना ही बात करेंगे ठीक है चलो अपने को दे दिया एक एल्केन कोई भी एक एल्केन दे दिया मान लो अपने को दे दिया सी एच थ्री सी एच टू सी एस थ्री बोलता क्या कि इसमें ऐसा क्या चीज डालें कि ये जो है यहां हेलोजन मतलब एक हाइड्रोजन को हट के हेलोजन लग जाए मतलब सीएस थ्री ये सी एच यहाँ सी एस थ्री हो जाए और यहाँ पे जो एक एज था उसको हटा के यहाँ पे क्या लग जाए मान लो सीएल लगाना है बेसिकली यहाँ का जो एक हाइड्रोजन था उस हाइड्रोजन को हटा के सीएल लगा दिया क्या किया जाए याद करो तो ये रिएक्शन क्लास टेंथ में पढ़ाई जाती थी अगर याद करोगे तो क्लास टेंथ में रिएक्शन पढ़ाई जाती थी इसको बोलते थे सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कार्बन एंड कंपाउंड में पढ़ाया जाता था याद आया सीएल टू और बी आर टू इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वाली कहानी याद आई ठीक है ये बिल्कुल वही रिएक्शन है बिल्कुल वही रिएक्शन है एल्केन एल्केन के एलकेन में क्या करना है हाइड्रोजन को हटा के अगर हेलोजन आपको लगाना है तो बस कुछ नहीं करना उसमें जिस हेलोजन को लगाना है उसका मॉलिक्यूल ले लो ठीक है तो ये अपने पास हो गया Cl2 टू डायटोमिक मॉलिक्यूल अपने को पता है कि सारे हेलोजन डायटोमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में होते तो सीएल टू ले लो और सनलाइट के प्रेजेंस में डाल दो सनलाइट को हम प्यार से एच न्यू बोलते हैं एच न्यू क्यों बोलते हैं ये तो सबको पता है कि भैया एनर्जी होता है एच न्यू इसलिए एच न्यू लिख लेते हैं तो बस कभी भी आपको एल्केन दे ये स्पेसिफाई करके मैं बोल रहा हूं बार बार कि ये रिएक्शन तभी यूज करेंगे जब आपके पास एलकेन हो एल्केन का मतलब होता है कि वो जो कार्बन पे रिएक्शन कराओगे वो मस्ट बी एस पी थ्री है अगर एसपी थ्री हैबिडाइज कार्बन है तो ही ये रिएक्शन होगी अदरवाइज नहीं होगी जो sp3 को नहीं याद है जिनको sp3 क्या होता है तो एक प्यारा सा चीज याद रखो कि कार्बन जो चार अलग अलग एटम से कंबाइंड हो चार जो अलग अलग एटम से कंबाइंड हो उस कार्बन को sp3 कार्बन बोलते हैं चार अलग अलग एटम्स मैंने चार अलग, अलग अलग एलिमेंट नहीं बोले ये याद रखना कभी भी चार जैसे ये कार्बन देखो ये कितने आइटम से कंबाइन है चार से कंबाइन है कैसे एक इधर एक इधर कार्बन इधर कार्बन और दो हाइड्रोजन तो ये एसपी थ्री है ये कार्बन कितने से कंबाइन है तीन हाइड्रोजन और एक इस से, इस कार्बन कार्बन से से कंबाइन है तो ये भी एसपी थ्री है ठीक मतलब है थीके? तो कभी भी एल्केन से आपको एल्काइल हैलाइड बनाना है तो आप कुछ नहीं करो हेलोजन को लाइट के प्रेजेंस में डाल दो आपका काम हो जाएगा आपके जीवन की समस्या का समाधान हो जाएगा लेकिन एक चीज जो आपको यहाँ ध्यान रखनी है वो ध्यान ये रखनी है कि जो भी आप हेलोजन ले रहे हैं जो भी सॉरी जो भी आप एल्केन ले रहे हैं उसमें आपको गौर फरमाने वाली बात है कि अगर उसमें थ्री डिग्री वाला अगर कार्बन है तो उस उसपे रिएक्टिविटी सबसे अधिक होगी फिर टू डिग्री वाले कार्बन पे रिएक्टिविटी होगी और फिर वन डिग्री वाले कार्बन पे रिएक्टिविटी होगी मतलब सबसे पहले आपको ढूंढना है कि अगर इसमें थ्री डिग्री वाला कार्बन है तो उस उसपे सबसे पहले हेलोजन लगाओ थ्री डिग्री वाला नहीं है तो टू डिग्री वाले पे लगाओ टू डिग्री वाला नहीं है तो फिर वन डिग्री वाले पे लगाओ गौर फरमाओगे यहाँ पे तो यहाँ देखोगे कि भैया ये वन डिग्री था ये टू डिग्री कार्बन था और ये वन डिग्री कार्बन था ये टू डिग्री क्यों क्योंकि दो कार्बन से कनेक्टेड है मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले थ्री डिग्री वाले को ढूंढो अगर कोई हो तो थ्री डिग्री पे लगाना नहीं हो तो फिर टू डिग्री पे लगाना अगर वो भी नहीं हो तो फिर वन डिग्री पे लगाना अपने को क्या दिखा कि टू डिग्री वाला दिखा वन डिग्री वन डिग्री पे लगेगा नहीं तो किस पे लगेगा टू डिग्री वाले पे टू डिग्री वाले पे हाइड्रोजन को हटा के हमने क्या लगा दिया क्लोरीन लगा दिया मुझे इतना बता दो कि कोई भी ऐसा जिसको इसमें समस्या है जिसको ये कहानी समझ में नहीं आई एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं बट कोई ऐसा जिसको ये रिएक्शन समझ में नहीं, नहीं आया जादू हो गया कोई ऐसा जिसको जादू हो गया फटाक से हैंड्रेज कर दो देखो करना तो पड़ेगा कोई ऑप्शन नहीं है याद करना पड़ेगा बट फिर भी जादू हो गया तो फटाक से बोलो क्या ये जादू हो गया मास्टर जी समझ में नहीं आया डन है क्या बात है यार नहीं हुआ जादू क्या बात है वेरी गुड बस मैं यही चाहता हूं जादू नहीं हो तो जब जादू नहीं हुआ तो फटाक से आप एक एग्जाम्पल कर लो ठीक है तो एक एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से दिया हुआ है बोलता है कि मेरे पास एक कंपाउंड है एक मिनट रुक प्यार से इसको देखना ठीक तो है हाँ। बोलता गया है कि इस वाले भाई साहब में डाला है इस वाले चीज में डाला है बी आर टू इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एच न्यू लिख दिया सनलाइट डाल दिया ठीक है बोलता क्या है कि इसमें हेलोजन एक ही हेलोजन लगाना है एक ही सब्सिट्यूशन कराना है इसको बोलते हैं मोनो सब्सिट्यूशन या अगर हेलोजन में बोलेंगे तो मोनोक्लोरीनेशन मोनोब्रोमिनेशन उससे अपने को मतलब नहीं है मोनो दिख रहा है मतलब एक ही जगह हटा के लगाना है अपने को हेलोजन हाइड्रोजन हटेगा तभी तो हेलोजन लगेगा हाइड्रोजन को हटा के एक जगह हेलोजन लगाना है बात यह है कि इसमें कौन सा ऐसा कार्बन है जहां पर हेलोजिनेशन होगा मैं यहां पे टिक लगा रहा हूँ नंबरिंग कर रहा हूं बताना मुझे ए कार्बन बी कार्बन सी कार्बन डी कार्बन या ई e, कार्बन ये चार कार्बन दिया हुआ है इन चारों में से कौन से जगह हेलोचिनेशन होगा आदित्य गलत अनिकेत गलत आदित्य राज गलत अनिकेत कुमार गलत प्रीतिक गलत शाश्वत गलत संजना सही लेखिका गलत रीतिक गलत प्रगति गलत शिवानी नहीं आदित्य राज सही आदित्य सिंह सही शिवानी सही अभिशया भगवती सही प्रगति सही साक्षी सही प्रीति सही अदिति सही अनिकेत गलत लेखिका सही हर्ष सही रोशन गलत प्रियांशु गलत श्रेया शंकर सही मिली सही क्या बात है क्या बात है गजब गजब फोड़ दिए यार तुम लोग तो कुन्नन सही है बच्चा चलो ठीक है गुड अच्छा लगा देख के ठीक है मतलब कोई बात नहीं कुछ जनता गलत थी बट मैक्सिमम जनता सही थी प्रियांशु मतलब क्या चाहता है भाई तू तो अलग ही दुनिया में चल रहा है मैंने क्या बोला था थ्री डिग्री टू डिग्री वन डिग्री बोला था चलो डिग्री लिखते हैं इसका डिग्री कितना है चलो इधर से शुरू करते हैं वन डिग्री ये टू डिग्री ये थ्री डिग्री ये फोर डिग्री ठीक है मुझे इतना बता दो अच्छा ये वन डिग्री मैंने सीक्वेंस क्या बोला है क्या बोला था थ्री टू वन ये बोला था ना ये बोला था और कुछ बोला था नहीं अरे ज्ञानियों जो लोग ये फोर डिग्री पे टिक्का मारे हो मुझे इतना बताओ कि फोर डिग्री मैंने कभी सीक्वेंस में लिखवाया था क्या पहले देखो तो गौर फरमाओ तो यहाँ पे कभी फोर डिग्री लिखा है यहाँ पे है फोर डिग्री पे हाइड्रोजन होता है नहीं होता ना जब फोर डिग्री पे हाइड्रोजन होता नहीं है तो उसका सब्सिट्यूशन कैसे हो जाएगा मेरे भाई देखो ना यहाँ का हाइड्रोजन निकला तभी तो यहाँ से क्लोरीन लगा था जब हाइड्रोजन हटेगा नहीं तो क्लोरीन लगेगा कहाँ से इस फोर डिग्री वाले जितने भी ज्ञानी लोग ये फोर डिग्री आंसर दे रहे हैं वो बहुत अच्छा सोच के आंसर दिए लेकिन थोड़ा अपना ज्ञान लगाना मिस कर गए बच्चा तो थोड़ा और गौर फरमाओ तो यहाँ क्या कोई हाइड्रोजन है नहीं है जब यहाँ हाइड्रोजन है ही नहीं तो हेलोजन लगाओगे कहाँ से भैया हाइड्रोजन बना के एक्स्ट्रा थोड़ी लगा के हाइड्रो लगा दोगे ऐसा तो है नहीं तो इसका मतलब क्या होगा गई भैया फोर डिग्री पे कभी हेलोजिनेशन नहीं होता कहाँ होता है थ्री टू और वन पे तो थ्री टू और वन ये भी वन अच्छा तो मतलब कहाँ होगा थ्री डिग्री पे थ्री डिग्री का मतलब क्या हुआ कहालोजिनेशन होगा बी है पे तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा भैया बी हो जाएगा बड़े बड़े, बड़े अक्षरों अच्छा में कोई ऐसा जिसको ये खोपरे में नहीं गया तो मुझे बता दो कि दिस इज अफ्टी सफ्टी रिएक्शन देखो मैं यहां लिख रहा हूं ध्यान देना सफ्टिट्यूशन रिएक्शन सफ्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है सफ्टिट्यूशन रुक जाओ सफ्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब क्या होता है सफ्टिट्यूशन रिएक्शन का एक हटेगा दूसरा आएगा ठीक है रिप्लेसमेंट ऑफ वन बाय अदर यहां पे किसका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है गौर फरमाओगे तो एच को हटा के कौन आ जा रहा है हेलोजेन आ जा रहा है या Cl आ जा रहा है हम Cl लिख ले रहे हैं कोई समस्या नहीं है एच हट रहा है तो Cl आ रहा है तो एच होना चाहिए ना हटने के लिए ये बताओ मेरे को कोई ऐसा जिसको ये जादू हो गया तो मुझे फटाफट बता दो कि भैया ये तो जादू हो गया अपने समझ में ही नहीं आया ये क्या हो गया कोई भी ऐसा जिसको ये जादू हो गया तो मुझे फटाफट बता दो कि ये जादू हो गया समझ में नहीं आया कोई ऐसा है जिसको ये कहानी जादू हो गई कोई भी ऐसा है जिसको ये जादू हो गया तो मुझे ईमानदारी से बता दो कि भैया ये तो जादू हो गया हमारे भेजे में नहीं गया है डन है सबको क्रिस्टल क्लियर क्या बात है यार गजब सो के उठ के पढ़ने और पढ़ाने का मजा ही अलग है सही बात डन है।, है चलो तो अगला प्रश्न चलो भैया यार ऐसे लोग वो तक झूठे बोलते हैं क्या मुझे ऐसा सुनने में आया कि आप लोग न्यूमेरिकल्स कराने पे गायब होने लगते हो बोलते हो हाथ सर न्यूमेरिकल्स कौन करेगा ऐसा मेरे को सुनने में आया लेकिन आज तो मेरे को नहीं दकला है ऐसा क्वेश्चंस करा रहा हूँ तो सभी बैठे हैं जितना आए थे एटलीस्ट उतने तो सारे हैं अब बाद में भाग जाओ तो बात अलग है बट अभी तो सारे हैं चलो ऐसा सुना है मैंने कि न्यूमेरिकल्स जहाँ आते हैं सब रोना मचाने लगते हो बस थ्योरी पढ़ लें हम तो न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे अच्छा ऐसा क्या ओ ठीक है अच्छा हाँ ठीक है समझ गया मैं समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया, समझ गया। चल हम्म अच्छा सही बात है सुरुचि बिल्कुल fact बोल रही है बच्चा तो भैया आपके पास ये एक सुंदर सा प्यारा सा खूबसूरत सा कंपाउंड दिया हुआ है ठीक है बहुत खूबसूरत है ये देखो ध्यान दो ठीक है चलो यहाँ पे लगाइए डबल बॉन्ड अब बोलता क्या है कि इसमें डाला गया है इसमें डाला गया है ए भाई तू कहा ऐसे चल रहा है हाँ इसमें डाला गया सी एल टू नहीं छोड़ो सी एल टू पिछले में बी आर टू लिए थे ना तो सी एल टू ही ले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है सी एल टू इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ठीक है बोलता है कि मुझे बता दो प्यार से कि इसमें किस जगह पे हेलोजिनेशन होगा मैं पोजीशंस बता रहा हूं A B C या इधर का सॉरी इधर का D ठीक है ये चार ऑप्शन है आपके पास कहां पे हेलोजिनेशन होगा प्रेम से सोचो आराम से बताओ कोई जल्दी नहीं है आराम से जो पढ़ा है उसको देखो और फिर बताना मुझे तो देखा जाए जरा अनिकेत ठीक है कुंदन ठीक है ऋतिक गड़बड़ है आदित्य ठीक है प्रगति ठीक है आकांक्षा गलत है शिवानी गलत है प्रीति गलत है मिली गलत है हर्ष गलत है श्रेया गलत है भगवती गलत है रूपाली गलत है क्या बात है गजय कौशिकी सही है आदित्य गलत है सुरुचि गलत है लेखिका गलत है साक्षी सही है रजिया सही है मिली गलत है रोशन गलत है आकांक्षा गलत है सॉरी आकांक्षा सही है माय बैड श्रेया शंकर सही है अच्छा ऐसे से हाइड्रोजन निकालना बड़ा मुश्किल होता है क्या बात है समझना बोले सर पता ही चला हाइड्रोजन है कितना कहाँ पे है आदित्य गलत है लेखिका सही है अनिकेत हाँ बिल्कुल घर पे हूँ अनिकेत इसलिए पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक भी सुनाई दे रहा होगा कुछ 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 प्रीति गलत है शाश्वत गलत है गलत है आदित्य सिंह सही है गजब, आप लोग तो रूपाली गलत है मतलब टू एटी फाइव परसेंट जनता एक 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 चीज बताया उसी का एप्लीकेशन दिखा रहा उसमें गलत कर रही है रूपाली गलत है हाँ जी वैसे क्वेश्चन अच्छा है नो no डाउट जब इतने लोग गलत किए तो अच्छा ही होगा चलो मैंने क्या बोला था सबसे पहले यहां ध्यान दो सबसे पहली चीज sp3 कार्बन पे ही सिर्फ सब्सटीट्यूशन होता है सिर्फ sp3। बोला है नहीं बोला मुझे इतना बता दो कि कोई ऐसा जो कहना चाहता है कि हमको नहीं पता था कि sp3 पे होता है कोई ऐसा कहना चाहता है नहीं बताया हो मैंने कोई ऐसा जो कहना चाहता है कि एसपी थ्री पे होता है हमको नहीं पता था पहले से ये भी कि SP3 का मतलब क्या होता है SP3 का मतलब होता है वो जो चार अलग अलग एटम से कंबाइंड हो बेंजीन रिंग अरे देवियों और सज्जनों यहाँ गौर फरमाओ इस बेंजीन रिंग का मतलब होता है ये चीज ये ये, ये। इसमें कोई भी ऐसा कार्बन है क्या और इसका मतलब देखो यहाँ हाइड्रोजन होता है 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 हाइड्रोजन होता है ये बेंजीन रिंग है <ततत geradezing> मुझे इतना बता दो कि इस बेंजीन रिंग में कोई भी ऐसा कार्बन है क्या जो तीन अलग अलग, अलग एटम से कम्बाइंड हो नहीं है इस कार्बन को देखो एक हाइड्रोजन से एक कार्बन से एक कार्बन से इस सारे के सारे वही है मतलब इसमें बेंजीन रिंग में कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नहीं होता sp3 का मतलब हुआ कुछ नहीं सिंपल ध्यान दो जो चार अलग-अलग एटम -अलग से कंबाइन नहीं है ये कार्बन एक हाइड्रोजन इधर वाला एक कार्बन इधर वाला एक कार्बन तीन से कंबाइन है ये वाला कार्बन पकड़ लो एक हाइड्रोजन एक इधर कार्बन एक इधर कार्बन ये भी तीन से कंबाइन है मतलब कोई भी ऐसा इसमें कार्बन नहीं है जो अपने पास दिखता हो कि चार एटम से कंबाइन हो जब वो चार एटम से कंबाइंड होगा ही नहीं तो क्या कभी इसमें सब्सिट्यूशन होगा मुझे इतना बता दो मुझे इतना बता दो कि इसमें सब्सिट्यूशन होगा कभी कभी नहीं होगा मतलब रिंग वाले कार्बन में ए और डी पे तो किसी हाल में नहीं होगा ए और डी तो भैया आंख बंद करके अपने को काटना है कि ए और डी में तो किसी हाल में नहीं होगा कोई भी ऐसा जिसको ए और डी में समस्या है तो फिर से हैंड रेज करो और खटाक से अपने डाउट पूछ लो भैया ऐसा है कि हमको समझ में नहीं आया कि ए और डी पे क्यों नहीं होगा कोई ऐसा जिसको लगता है कि ए और डी पे ऋतिक कुछ कहना चाहता है बोलो ऋतिक बच्चा क्या कहना चाहता है बोलो ऋतिक बोलो हीरो है ऋतिक बोलो हीरो अरे भाई तेरी आवाज ही नहीं आ रही मेरे को तू बोल रहा है मेरे को ऐसा फील हो रहा है भाई मेरे को आवाज नहीं आ रही तेरी खर 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 कर अच्छा ठीक है मतलब मेरे को लगा कि मेरे ईयरफोन में समस्या हो गया समझ में आ गया कि तू तो सही से बोल नहीं रहा है भाई ऋतिक आवाज नहीं आ रही है ये कौन है चल भाई कोई बात नहीं तू तो म्यूट हो जा और मुझे भेज देना तू तो क्या कहना चाहता है मेरे को समझ में नहीं आ रहा तू तो क्या बोलना चाहता मैसेज कर दे मेरे को ठीक है तो ए और डी तो गए अब बचा सी और बी में कंपटीशन मुझे सी और बी को भी गौर फरमा के अगर देखोगे तो आपको दिखेगा एक चीज कि भैया सी भी जो है ना इसको गौर फरमा के देखो तो आपको दिखेगा कि भैया सी के साथ भी समस्या है सी के पास भी ये डबल बॉन्ड बन रहा है और ऐसे आंख बंद करके सोच लो यार कुछ नहीं याद तो ऐसे सोच लो कोई भी कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड कहीं बना रहा होगा तो इस थ्री हो ही नहीं सकता कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो एसपी थ्री हाइब्रिडाइज वो हो ही नहीं सकता इसका मतलब क्या है कि भैया वो सी पे भी तो सब्सिट्यूशन नहीं होगा क्योंकि ये भी एसपी थ्री नहीं है बचा कौन सा जगह एक ही जगह बचा है कौन सा जगह बचा है बी जहां पे सब्सिट्यूशन हो सकता है तो भैया इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का प्यारा आंसर आ जाएगा बी कोई ऐसा जिसको ये जादू हो गया तो बता दो कि भैया ये तो जादू हो गया हमको समझ में नहीं आया कोई ऐसा जिसको ये जादू हो गया कोई ऐसा जिसको ये जादू हो गया कि बी कैसे आया बता दो भाई मुझे कि सर ये जादू हो गया समझ में नहीं आ रहा है बी आंसर कैसे हो गया हमको तो लग नहीं रहा है कि बी आंसर होगा ये इस प्लेनेट का क्वेश्चन नहीं है पक्का ये प्लूटो से उठ के आया है क्वेश्चन तो ऐसा कहना चाहता है, नहीं, है बोलो आदित्य क्या डाउट है करो अरे कहा गया हैंडरेज करो यार मुझे ढूंढना पड़ेगा कहा है, है आदित्य मोहन अच्छा ऊपर में है बोलो आदित्य मोहन क्या डाउट है अरे बोल भाई अनम्यूट करने का परमिशन दिया है मैंने बोल अरे अनम्यूट तो कर ले नहीं करेगा जा मैं क्या कर सकता हूँ वो कहा गया एक ऋतिक ओ ऋतिक ओ भाई तू अनम्यूट कर तू हंडरेज कर ऋतिक हैंडरेज कर हाँ। बोलो, रितिक, क्या समस्या है अरे भाई तेरी आवाज नहीं आ रहा है मेरे को तू कहां से बोल रहा है अरे ऋतिक बच्चा नहीं आ रहा आवाज तेरा ऐसा लग रहा है जैसे गिटार बजा रहा है तू वो भी रुक रुक के आ रहा है नेटवर्क एरर के वजह से सर, समझ में नहीं आ रहा तू क्या बोला मेरे को कुछ समझ मेरे को इतना समझ में आया कि तू बोला कि समझ में नहीं आया लेकिन क्या समझ में नहीं आया ये पता नहीं चल रहा है बेंजीन रिंग समझ में नहीं आया ओ भाई देख बेंजीन रिंग क्या होता है बेंजीन रिंग देखो ये जो चीज बना ना इसको ऐसे देख प्यारा सा बेंजीन रिंग अभी मैं बना के दिखाता हूँ देख ध्यान दे रही थी दिस इज बेंजीन रिंग सबसे बड़ा समस्या तो हमको बेंजीन रिंग में ही और इससे इस इस समस्या का समाधान कैसे किया मतलब बहुत बड़ा इशू है ये बहुत बड़ा इशू बहुत बड़ा है लेकिन हम इसको चुटकी में सुलझाएंगे देखो ये है रिंग अब क्लियर है दिस इज इंजीनियरिंग प्यारा सा इस कार्बन को हटा के यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कार्बन देखो कार्बन और हाइड्रोजन को हटाते हैं और सिंपल सा जो बॉन्ड्स दिखता है उसको जोड़ देते हैं यही आ गया ठीक है ऋतिक चलेगा चलो बी कैसे होगा आदित्य देखो ध्यान दो भाई मेरे बी इसलिए होगा क्योंकि इन सब में ना सिर्फ और सिर्फ एसपी थ्री है कार्बन बी ही है आदित्य मोहन आदित्य मोहन ये ध्यान दो यहाँ सिर्फ बी एस पी थ्री है ये जाइए सी चूकी इस कार्बन ये कार्बन क्या है डबल बॉन्ड बना रहा है और डबल बॉन्ड वाला कभी एसपी थ्री तो हो ही नहीं सकता कुछ भी हो लेकिन एसपी थ्री नहीं होगा अगर मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है तो ये एसपी थ्री नहीं है ये एस थ्री नहीं है ये एस थ्री नहीं है कोई किसी ने पूछा था कि सर ये एक ही हाइड्रोजन हटेगा दोनों हाइड्रोजन हटेगा तो बच्चा हम मोनोक्लोरिनेशन की बात कर रहे हैं इसलिए एक हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं ठीक है चार बॉन्ड है ना मेरे भाई आदित्य मोहन यहाँ दो हाइड्रोजन भी तो होता है ना मेरे भाई हाइड्रोजन को तो हम इग्नोर करके चलते हैं ना यार लाइन स्ट्रक्चर तो ध्यान रखो ये तो कम से कम ध्यान रखो इतना कष्ट कर लो यार खुद पे थोड़ा सा ये कुछ नहीं तो इलेवेंथ का एक बार बुक उठा के देख लो ये लाइन स्ट्रक्चर बनाने इसमें समस्या मैंने पहले दिन पूछा था किसी को समस्या लाइन स्ट्रक्चर में तो मेरे को बता दो कि भैया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर मेरे को नहीं आता है क्लियर है आदित्य नहीं है तो बोल दे भाई मैं बता दूंगा इसको चलो डन है अच्छा मोहन अभी सो के उठा है देखो ऐसा निकेत बोलना चाहता मैंने नहीं बोला ठीक है तू अनिकेत से निपट लेना चलो तो अगला प्रश्न आपके पास कुछ बेजीनियरिंग से जुड़ा हुआ ही ऐसा प्यारा सा है बोलता क्या है कि भैया इसमें सब्सिट्यूशन कहां होगा अगर सी एल टू डालेंगे तो पोजिशन देखो ध्यान देना ए बी सी और ये है डी प्रेम से सोचो और आराम से बताओ कि कहाँ पे सब होना चाहिए अगर ये सी एल टू और एच डाला है तो प्रियांशु वेरी गुड अनिकेत वेरी गुड कुंदन रायता फैला दिए प्रीति सही है शिवानी सही है आदित्य मोहन सही है प्रगति सही प्रीति सही आकांक्षा सही आदित्य गलत आदित्य सिंह गलत शारण्या सही आदित्य गलत है मिली गलत है कुंदन सही है हर्ष सही है भगवती सही है आदित्य सही है साक्षी सही है निकिता सही है रूपाली सही है चलो श्रेया सही है रजिया गलत है श्रेया शंकर सही है मिली सही है चलो ध्यान दो डी तो किसी हाल में नहीं होगा ये क्लियर है क्योंकि वो एसपी थ्री कार्बन है ही नहीं फिर कौन बचा अपने पास ऑप्शन बचा है या तो ए या तो बी या तो सी अब इन तीनों में ध्यान दोगे गौर फरमाओगे तो दिस इज काइंड ऑफ वन डिग्री दिस इज काइंड ऑफ टू डिग्री और दिस इज काइंड ऑफ वन डिग्री कहाँ पे होगा सबसे ट्यूशन वन डिग्री टू डिग्री वन डिग्री कहां होगा भैया सोचना ही नहीं है वन डिग्री टू डिग्री वन डिग्री टू डिग्री पे टू डिग्री का मतलब कहां पे ये पे कोई ऐसा जिसको अभी भी ये समझ में नहीं आया तो फटाक से हंड्रेज करके पूछ लो और याद रखना कि सी एल टू और एचन के प्रेजेंस में होता क्या है चलेगा बढ़े आगे कोई ऐसा जिसको ये समझ में नहीं आया जादू हो गया याद रखना होगा कोई ऑप्शन नहीं है इसका मैं बहुत धीरे चल रहा हूँ लिटरली बहुत ज्यादा धीरे चल रहा हूँ ये वो पढ़ा रहा हूं जो आप इलेवेंथ क्लास में पढ़े थे ये इलेवेंथ क्लास का बेसिक कॉन्सेप्ट है जिन लोगों ने अल्किन अल्किन अलकाइन पढ़ी होगी उनको गलती से याद होगा कि ये तो इलेवेंथ क्लास में पढ़ाया जाता है चलो रजिया बच्चा ध्यान दो यहाँ पे ये टू डिग्री है ये थ्री ये वन डिग्री है ये वन डिग्री है टू डिग्री वन डिग्री टू डिग्री किसका सॉरी टू डिग्री वन डिग्री टू डिग्री वन डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी टू डिग्री की इसका मतलब सबसे ज्यादा कहाँ होगा ए पे होगा रजिया चलेगा रजिया चलो ठीक है डन है और कोई समस्या भैया इसमें ओके थैंक यू रजिया चलेगा अरे देवी और सज्जनों और कोई समस्या है किसी को चलो ठीक है आगे आते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक ऑफिट्यूशन रिएक्शन ठीक है जो पिछला वाला बताया था ना जस्ट उसका ये उल्टा है क्या उल्टा है पिछला वाला कहां होता था एसपी थ्री कार्बन पे ये कहां होगा ध्यान देना एसपी टू कार्बन ऑफ रिंग। ये स्टेटमेंट ध्यान रखना ये रिएक्शन कहां होती है ये रिएक्शन होती ही है कहाँ पे तो ये रिएक्शन होती है sp2 टू कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग sp2 टू कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग का मतलब क्या हुआ कि भैया ये आपके पास रिंग है तो इस रिंग के जो जितने भी कार्बन है बेंजीन रिंग के जितने भी कार्बन होते हैं वो सारे sp2 होते हैं ये, ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि चूंकि ये सब्सिट्यूशन है तो सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या है कि पहले से वहां हाइड्रोजन होता है उसको हटा के वहां पे क्या लगाना है एक्स हेलोजन को लगाना है मतलब आपके पास हाइड्रोजन है, हटके ही हेलोजन लगेगा अगर हाइड्रोजन नहीं हुआ बे इंजीनियरिंग में तो हेलोजन नहीं लगेगा जैसे पिछले वाली कहानी थी कि हाइड्रोजन हटा था तभी तो हेलोजन लगा था फोर डिग्री एल्केन में कुछ नहीं हुआ था हाइड्रोजन नहीं होता है चलो होता कैसे ये रिएक्शन तो ये रिएक्शन बहुत प्यारा सा मासूम सा रिएक्शन है लेकिन इसको मैं जो अभी पढ़ा रहा हूँ इसको तो रट्टा मार के याद रखना इसमें डाला जब क्या जाता है तो इसमें सिंपल वही हेलोजन ही डालते हैं जैसे सी डाल दिया लेकिन इसके साथ जो लेते हैं ना जो कैटलिस्ट लेते हैं वो थोड़ा अलग है लाइट नहीं होता है इसके साथ कैटलिस्ट क्या क्या हो सकता है नॉर्मली दिखता है एफी नॉर्मली -E. आपको दिखेगा एफी -E, बट हो क्या क्या सकता है ये मैं आपको बता दे रहा हूं इस एफी -E को या तो एफी -E हो सकता है ठीक है इसके कुछ ऑल्टरनेट भी है या तो एल हो सकता है या एफी -E भी हो सकता है तीनों में से कुछ भी दे दे ए एल सी एल थ्री या एफी सी एल थ्री या सिंपल एफी -E दे दे करना क्या है बेंजीन रिंग का जो एक हाइड्रोजन है बेंजीन रिंग में अब सारे जगह एक हाइड्रोजन तो इसमें है सिंपल उनको हटाओ हाइलोजन चिपकाओ तो भैया क्या करना है बिल्कुल पिछले वाली रिएक्शन जैसी हाइड्रोजन हटा के हाइलोजन लगाना पिछले में बस एल्केन में होता था ये बेंजीन रिंग के अंदर होता है ये क्लियर रखना कि बेंजीन रिंग के अंदर होता है तो भैया ये रहा और यहाँ पे क्या हो गया एक जगह लगा दिया सीएल बहुत लोगों को समस्या होगी अगर हाइड्रोजन काउंट करने में तो देखो यहाँ एक हाइड्रोजन होता है यहाँ होता है यहाँ होता है यहाँ होता है यहां होता है और यहाँ होता है पीछे वाले स्ट्रक्चर से तुम देख सकते हो जस्ट पीछे स्ट्रक्चर तो यहाँ का हाइड्रोजन 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 सब ऐसे ही रह गया और एक कोई भी हाइड्रोजन इसमें सारे बराबर है तो मैं ऊपर वाला हटा लिया सुंदर लगता है जरा तो ऊपर वाले को हटा के वहां क्या लगा दिया सीएल लगा दिया चलेगा कोई ऐसा जो कहना चाहता है कि भैया ये मेरे से नहीं होगा समझ में नहीं आया मेरे को कोई ऐसा जो कहना चाहता है कि ये मेरे को नहीं आया समझ में जी कोई दिक्कत नहीं आसानी से हो जाएगा श्रेया शंकर ध्यान दो बच्चा बेंजीन रिंग में अगर हेलोजन के साथ आयरन रखा गया या एफी AlCl3 थ्री एल सी एल थ्री कुछ भी रखा गया सनलाइट नहीं है बस सिंपल सनलाइट के बजाय इनमें से एफी सी एल थ्री एल सी एल थ्री या एफी -E, इनमें से कुछ भी दिख गया तो आपको रिंग के अंदर में क्या करना है हेलोजन लगा देना है पहले रिंग के बाद मतलब sp3 कार्बन पे लगाते थे एल्केन वाले में लगाते थे अब की बार कहा लगाओगे रिंग के अंदर वाले में लगाओगे ये क्लियर रखना है चलेगा डन है चलो सो so, एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट बोलता गया है कि मेरे पास एक प्यारा सा कंपाउंड है सुंदर सा प्यारा सा खूबसूरत सा एक कंपाउंड है ये गौर फरमाना है इस पर बोलता है क्या है कि इसमें हेलोजिनेशन कहाँ होगा पोजीशंस देखो मैं बना के दे रहा हूं पोजीशंस को ध्यान रखना ए बी सी या डी ठीक है बोलता है बिल्कुल ये चर्च सा बनाया यार देखने में अच्छा लग रहा है ठीक है चलो <laughs> बोलता क्या है कि इसमें हेलोजिनेशन कहा होगा अगर ध्यान देना अगर मैं इसमें डालता हूं बी आर टू और ए अगर बी आर टू और एफी डाला तो हेलोजिनेशन कहाँ होगा आराम से सोच के मुझे बताओ फटाफट बी आर टू और एफी डाला है तो हेलोजिनेशन कहाँ होगा लो मैं इसको छोटा करके ऊपर का दिखा दे रहा हूं साक्षी गलत है ऋतु सही है अनिकेत सही है प्रीति गलत प्रीति सही है प्रगति सही है आदित्य राज सही है श्रेया गलत नहीं सॉरी श्रेया सही है पवनेश गलत है शाश्वत सही है आदित्य सही है संजना सही है कुंदन गलत है आकांक्षा सही है बहुत बोल रजिया गलत है आदित्य सही है प्रीति सही है भगवती सॉरी प्रियांशु गलत है भगवती सही है सुरुचि गलत है हर्ष सही है रूपाली गलत है शुभम सही है पवनेश गलत है शिवानी सही है कुंदन सही है मिली सही है प्रियांशु सही है रोशन गलत है चलो गौर फरमाओ क्या बोला है ध्यान दो एसपी टू कार्बन ऑफ रिंग ये बेंजीनियरिंग बना के बोला कि इसके अंदर में ही कहीं होगा जब इसके अंदर में ही कहीं होगा तो सी गया बी गया ये दो तो गए बचा है डी और बचा है ए ठीक है जरा और गौर फरमाना हाइड्रोजन के हटके हेलोजन लगता है मुझे इतना बता दो कि क्या डी के पास हाइड्रोजन है नहीं है कैसे डी ऑलरेडी चार बॉन्ड बना चुका है यहाँ हाइड्रोजन नहीं है रिंग के साथ कोई भी चीज लग गई देखो रिंग में अगर यहाँ Cl लगा था तो यहाँ का हाइड्रोजन हट गया था मतलब रिंग में कोई भी चीज लगती है जहाँ लगती है वहां कोई हाइड्रोजन नहीं होता इसका मतलब डी पे तो कोई सबसे नहीं होगा क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन है, है ही नहीं हाइड्रोजन हटेगा तभी तो सबसे होगा ना तो बचा कौन सा पोजीशन कोई ऐसा जिसको इसमें समस्या है तो मुझे बता दो कि भैया इसमें समस्या है समझ में नहीं आ रहा है जादू हो गया है कोई भी ऐसा जिसको इसमें समस्या है तो मुझे बता दो चलेगा सुरुचि मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चा ध्यान दो हेलोजन वहीं लगेगा रिंग के अंदर जहां पहले से हाइड्रोजन था और उसकी जगह हेलोजन आ जाएगा इन सब पोजीशन में बस एक ही यही ऐसा पोजीशन है जहां पहले से हाइड्रोजन है और कोई जैसा पोजीशन नहीं है डी और ए में सी और बी तो सोचना ही नहीं है क्योंकि वो रिंग का तो पार्ट ही नहीं है तो पहली चीज तो रिंग का ही होना चाहिए तो सी और बी पे तो कोई चांस ही नहीं है बचा डी और ए तो इन दोनों में कहा लगेगा जहां पे पहले से हाइड्रोजन हो डी और ए में कहा हाइड्रोजन है ए पे है तो ए पे लग जाएगा बी पे नहीं लगेगा चलेगा सुरुचि चलो अब यहां कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो गौर फरमाने वाली है उसको ध्यान रखिएगा इसमें बड़ी इस ये, ये जो रिएक्शन है ना इसको बोलते हैं हेलोजिनेशन रिएक्शन प्यारा नाम है हैलोजन लगा रहे हो तो हेलोजिनेशन बोलते हैं ठीक है अब होता क्या कि ये तो सिंपल सा दे दिया मान लो बेंजीन रिंग में कुछ लगा के पहले से दे दिया तब क्या करेंगे तो अपने को ज्यादा नहीं अपने को तीन केसेस में ध्यान रखने हैं अगर नाइट एनएच टू लगाया ओ OH एच लगाया नाइट्रोजन का कोई डेरिवेटिव लगा दिया ठीक है ध्यान रखो अब इसमें क्या करेंगे ठीक है तो देखो एक चीज ध्यान रखो इंपॉर्टेंट केसेस ठीक है बिल्कुल मिली मैं समझा दूंगा बच्चा परेशान नहीं हो ठीक है कुछ इंपॉर्टेंट केसेज हैं उसको जरा सा ध्यान रखना आपने वो क्या इंपॉर्टेंट केसेज है अगर आपको बेंजीन रिंग के ऊपर में ओएच लगा हुआ दिखे बेंजीन रिंग के ऊपर में अगर OH या ऊपर में क्या कहीं भी अगर OH लगा हुआ मिले यहाँ OH लगा दिया और OH लगा दिया और इसके बाद बोलता है कि इसमें डाल दिया गया है Br2 ये स्पेसिफिक रिएक्शन है Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ AP ठीक है इस कंपाउंड को बोलते हैं फिनोल दिस इज नोन एज फिनोल मैंने स्टार्ट में नोमेनक्लेचर में भी बताया था दिस इज नोन एज फिनोल ठीक है अगर इसमें बी आर टू इन डाला गया, तो सेम कहानी होगा कि कौन-कौन से अवेलेबल तो 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 है यहाँ तो वो लगा हुआ है तो कुछ होगा नहीं तो कहते ये है कि देखो यार बात ऐसा है ना कि इसमें तीन जगह बी आर लग जाएगा ठीक है एकदम रट्टा मार जाओ तीन जगह बी आर लग जाएगा ठीक है कहाँ कहाँ लग जाएगा तो देखो इसको ध्यान दो अब यहां थोड़ा सा समस्या भी है ये थोड़ा कॉन्ट्रोडिक्टी केस भी बनता है उस पर नहीं आ रहा मैं ठीक है इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ एक मिनट रुक जाओ मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूं बस बी आर टू इसमें डाल रहा हूं ठीक है सिर्फ बी आर टू डाल रहा हूं बस इसमें ये याद रखो कि कभी अगर आपको ऐसा मिल गया कि फेनॉल में सिर्फ बी आर टू डाला या बोलेगा ब्रोमीन वाटर ऐसे बोल देगा ब्रोमीन वाटर अगर कभी आपको ऐसे बोल दिया ना कि फेनॉल में ब्रोमीन वाटर डाला है आंख बंद करो ठीक है और जहां ओएच लगा है उसके लेफ्ट राइट में बियर लगा और जस्ट उसके अपोजिट वाले कॉर्नर पे बियर लगा दो ठीक है उसके लेफ्ट राइट और उसके अपोजिट वाले कॉर्नर पे बियर लगा दो ठीक है बी आर, बी आर और बीएर लेफ्ट राइट right और अपोजिट वाले कॉर्नर पे बी आर लगा दो फिनॉल में बी आर टू डाला लेफ्ट राइट right और अपोजिट वाले कॉर्नर पे बी आर लगा दो अगर ऐसे ही टाइप में अगर सेम रियक्शन दिया, OH दिया है बी आर टू या बोलेगा ब्रोमीन वाटर इसमें डाला है सेम कहानी आपको यहां भी बनानी है जहां ये जैसे बना हुआ है, वैसको वैसे बनाओ ठीक है एनएस टू ऊपर में रख दो और बस आंख बंद करके लेफ्ट राइट अपोजिट इन तीनों जगह क्या लगा दो बी आर लगा दो ठीक है तो इस चीज को तो तुम रट्टा मार जाओ फेनॉल हो या ये वाला कंपाउंड इसको प्यार से बोलते एनिलीन इसका नाम है एनिलीन तो इस दोनों को स्पेशल केसेस है ऐसे सिंपल सा ध्यान रखो स्पेशल केसेस टाइप ऑफ या याद रखो कि फेनॉल हो या एनिलीन हो अगर उसमें ब्रोमीन वाटर डाला एफी -E या एफी सी एल थ्री और बी एफी -E -E लेने की जरूरत नहीं है अगर ये डाला तो सिंपल सा लेफ्ट राइट और अपोजिट वाले कॉर्नर पे बी लग जाएगा सिंपल सा ध्यान रखो इस रिएक्शन को ये भी रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन ही है क्या है नहीं है इसके जाने की जरूरत नहीं है अनिकेत लॉजिक बाद में पूछ लेना मेरे से ठीक है इसको बस सीधे याद रख लो ठीक है चलो लेकिन एक छोटा सा यहां में लिखा देता हूं ठीक है एक और रिएक्शन बस और ज्यादा परेशान होने की जरूरत तो नहीं है एक और स्पेशल केस उसको ध्यान रखना कि अगर इसी जगह पे इसी जगह पे ये बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर में दो चीजों में से कुछ भी लगाओ मतलब या तो एल्डिहाइड लगाओ सी सी CWH लगाओ एसिड लगाओ या एल डी हाइड लगाओ एसिड या एल डी हाइड डाल बी आर टू और ए तो भैया एक चीज बस ध्यान रखना कि इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और थोड़ा सा चेंज कुछ इस तरीके से होगा ये ऊपर का जो जैसे था उसको वैसे चिपका दो उसमें कोई समस्या ही नहीं है सी एच ओ और ये सी एच और बस एक कष्ट कर लेना कि इसका जो जस्ट अगल बगल और वाले पोजीशन पे नहीं लगाना अगल बगल अपोजिट पे नहीं लगाना है उसके अलावे जो बचा उस पर लगाना मतलब कहाँ नहीं लगाना यहां यहां और यहां नहीं लगाना अपने कहाँ लगा लेना इस पोजिशन पर लगा देना यहां के लग जाएगा बी और अगर किसी को गलती से याद हो तो हम इसको ऐसे बोलते थे ये ऑर्थो अगल बगल वाला ऑर्थो पोजिशन उसके नेक्स्ट वाला ये है मेटा पोजिशन और ये हो गया पैरा पोजिशन तो ओ OH और एन के, के केस में ऑर्थो और पैरा पे लगेगा सी और सी के, के केस में कहा लगेगा मेटा पे लगेगा तो इस चीज को एज ए स्पेशल केस याद रख सकते हो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है चलेगा तो इस चीज को जो मैं अभी बता रहा हूं एज ए स्पेशल केस इसको बिल्कुल रट्टा मार के रखना कि भैया हाँ ऐसा कुछ होता है कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर ओ OH एच या एनएच टू लगा है उसमें बी आर टू डाला है आंख बंद करके अगर एनएच टू या ओ OH एच है तो और पैरा पोजिशन सब जगह चिपका देना है अगर सी एच ओ या सी डब्लूएच है तो सिर्फ और सिर्फ मेटा पोजिशन पे चिपकाना है इसको याद रख लेना सोचने की जरूरत नहीं है एक क्वेश्चन मैं देता हूँ ठीक है ध्यान रखो एक क्वेश्चन में यहां दे रहा हूं यहां लगा है एस टू ठीक है यहां लगा दिया एस टू बोलता क्या है कि अगर एन एस टू है और इसमें मैंने डाला है अब देखो यहां बी आर नहीं डाला बी आर टू नहीं डाला यहां बी आर टू इन द प्रेजेंस ऑफ एफीसीएल ले रहा है तो फर्क ये आ जाएगा कि अगर एफ एल थ्री लेगा तो जो यहाँ तीन लगते थे वो इस केस में सिर्फ और सिर्फ मोनो सब्सिट्यूशन होगा मोनो सब्सिट्यूशन होगा मतलब एक ही हटेगा तीन नहीं लगेगा सिर्फ कितना लगेगा एक लगेगा जो ब्रोमीन वाटर में तीन लगता था इस केस में सिर्फ एक लगेगा पूछा क्या है कि वो एक का पोजिशन कौन सा होगा ए बी या सी ए बी या सी या यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर डी बताओ कौन से जगह पे ये जो बी आर आएगा वो आ लगेगा ए पे बी पे या सी पे आराम से सोचो प्रेम से बताओ कहाँ लगेगा मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ सोच के बताना कहाँ लगेगा भैया क्या बात है क्या बात है संजना आकांक्षा निकेत श्रेया सब आदित्य शुभम प्रीति क्या बात है गजब हमें पता है कि NH2 है NH2 के के केस में कहां तो सिर्फ एक जगह या तो लेफ्ट या तो राइट right, या तो नीचे ठीक है तो जस्ट एन एच टू का अपोजिट वाला पोजिशन कौन सा है देखो लेफ्ट राइट right तो दिया नहीं ऑप्शन में एनएच टू का अपोजिट वाला दिया दैट इज सी तो अपने पास कहा ए और बी पे क्यों नहीं होगा क्योंकि ए और बी इसके लिए कौन से पोजिशन हो जाएंगे मेटा हो जाएंगे इसका एन एच टू को लगेगा लेफ्ट राइट और उसके अपोजिट तो लेफ्ट राइट right और अपोजिट में कौन आ रहा है सी आ रहा है ए और बी नहीं आ रहा है कोई ऐसा जिसको इसमें समस्या है तो मुझे बता दो कि ये समस्या समझ में नहीं आया जादू हो गया ये बोलो भगवती क्या समस्या है बच्चा बोलो भाई क्या समस्या है इसमें क्लियर है चलेगा चलो एक और क्वेश्चन प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन कोई बड़ा कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं कोई भारी भरकम कॉन्सेप्ट नहीं बिल्कुल आसानी सा एकदम ऐसा ही क्वेश्चन है बोलता क्या है कि ये वाली चीज ली है मतलब इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता यार ठीक है बोलता क्या है कि इसमें डाला गया है इन द प्रेजेंस ऑफ ठीक है प्रोडक्ट आप बना सकते हो भगवती बिल्कुल वैलिड होगा कोई मना नहीं है बस दिक्कत यह है कि अगर क्लोरीन होता है तो ये तीन तीन वाली रिएक्शन नहीं होती सिर्फ सिर्फ मोनो सब्सिट्यूशन होता है क्लोरीन के केस में क्लोरीन के केस में ये ट्राई सब्सिट्यूशन आसान नहीं होता हालांकि वो भी कंडीशन थोड़ा लगता है उसमें बट नॉर्मली आसान नहीं होता ठीक है इसलिए क्लोरीन वाला पढ़ाते नहीं इसलिए मैंने ये स्पेशल केस करके पढ़ा दिया ठीक है चलो तो बोलता है भैया यहाँ पे क्या हुआ अब यहाँ दे दे रहा हूँ ना मैं Cl2 एल टू सी एल टू दे दिया लगाओगे कहा लगाओगे में बता रहा हूँ ध्यान रखो ए बी सी या डी कहा लगेगा ए बी सी और डी में कहा लगेगा बी बी क्या बात है यार बहुत लोग बी बोल है है? रहे हैं यार ठीक है खटाखट आंसर आ रहे हैं शुभम क्या रहता फैला दिया भाई चलो ठीक है तो अपने को पता है कि इसके रेस्पेक्ट में क्या हो गया मेटा पोजिशन देखना है मेटा नहीं समझ में आता कोई बात नहीं लेफ्ट राइट right पे तो नहीं लगेगा ये हमने पढ़ा है जस्ट की सी एच ओ और सी डब्ल्यू एच के, के केस में right पे तो नहीं लगता है। कहां लगता है ये लेफ्ट राइट right के अलावे वाला पोजिशन जो है मेटा पोजिशन उस पर खत्म है खेल खत्म हो गया यहीं पे अपना मामला डन हो गया अच्छा मतलब ये तो क्लियर हो गया कि भैया ये अब पड़ोसियों पे तो नहीं आएगा और डी पे तो कोई चांस ही नहीं आने का क्योंकि हाइड्रोजन ही नहीं है तो डी सी और ये तो आएगा नहीं ए पे भी नहीं आएगा बचा कौन अपने पास सिर्फ और सिर्फ कौन सा बचा बी पोजिशन मतलब कहां सब होगा बी पे होगा मुझे इतना बता दो ये पूरी कहानी ये पूरी प्रकरण में कोई समस्या जो समझ में नहीं आई हो इस पूरे में कोई चीज जो समझ में नहीं आई है जादू हो गया हो चलो बधाई हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो ये कहानी हो गई अगर बेंजीन रिंग के अंदर में सब्सिट्यूशन कराना हो कोई ये बोलेगा सर एसपी टू ऐसा थोड़ी है कि बेंजीन रिंग में ही होता है एसपी टू तो बाहर भी होता है वहां भी करा के बताओ तो वहां पे भी हेलोजन लगा सकते हैं कैसे हेलोजन लगाएंगे अगली कहानी ठीक है कहा गया हाँ एल्किन्स में कैसे हेलोजन लगाते हैं एल्कीन से कैसे अल्काइल हेलाइट बनाते हैं तो एल्कीन से मतलब एस पी टू कार्बन से अपने को एल्काइल हेलाइट बनाना है ये याद रखना है कि एसपी टू बेन्जिन रिंग नहीं होना चाहिए ठीक है तो इससे अल्काइल हेलाइट बनाने का तरीका क्या है कि इसमें डाल दो एच एक्स एच एक्स मीन्स एच बी आर एच सी एल कुछ भी हो सकता HX, है एच एक्स ठीक है तो आपके पास बन जाएगा एक जगह लगेगा एच और एक जगह लगेगा एक्स एक जगह लगेगा एच और एक जगह लग जाएगा एक्स कैसे लगेगा भैया ध्यान दो तो ये कुछ इस तरह का रिएक्शन है सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी टू बोलता क्या है कि इसमें डाल दिया गया एच सी एल बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा क्या बात है रजिया वेरी गुड बोला इसमें एच डाल दिया प्रोडक्ट क्या बनेगा पहले ये ध्यान रखो कि अगर इसमें एच डाला है तो डबल बॉन्ड टूटेगा एक और डबल बॉन्ड के क्रॉस या तो यहाँ या तो यहाँ डबल बॉन्ड के क्रॉस एक जगह एच लगेगा और एक जगह सीएल लगेगा डबल बॉन्ड को तोड़ देना है अपने को अब बात ये आती है कि लगाए कहाँ मतलब किस कार्बन पे एच किस कार्बन पे सी नहीं फ्री रेडिकल नहीं होता बेटा ये होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नॉट फ्री रेडिकल ठीक है तो यहां का कानून ध्यान रखना यहां का कानून बोलता है जहां पे हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है वहीं पे दोबारा हाइड्रोजन दो मतलब जो अमीर है वो और अमीर हो जाएगा यही एक कानून बोलता है जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पहले हाइड्रोजन दे दो जो बचा पोजीशन उस पर सीएल लगा दो ठीक है तो भैया क्या मतलब हुआ एच कहाँ पे वे आर ऑलरेडी वे आर ऑलरेडी एच इज इन मैक्सिमम नंबर अरे अनिकेत बाबू ये तो सब मैंने बता दिया है बट ठीक है कोई बात नहीं ठीक है और सी एल वहां जो बचा हुआ पोजीशन है अदर पोजीशन इसको क्या बोलते हैं मार्कोव निकोव मार्कोव निकोव इसको बोलते हैं मार्कोव निकोव नियम मार्कोव निकोव क्या बोलता है हाइड्रोजन को वहां लगाओ जहां पहले से हाइड्रोजन ज्यादा जा मतलब जो अमीर है उसको और अमीर बनाओ सिंपल सा कहानी अब मुझे बताओ कि भैया इस दो पोजिशन में से ए बी और सी तीन पोजिशन है बताओ इसमें हाइड्रोजन कहाँ लगाऊं बताओ इसमें हाइड्रोजन पे लगाऊ बी पे लगाऊं सी पे लगाऊ पे लगा दो क्योंकि ए पे बहुत हाइड्रोजन है अरे देवियों और सज्जनों गौर फरमाओ हम ए पे नहीं लगाएंगे हम क्या बोले एस पी टू कार्बन के क्रॉस लगाना है अपने को या डबल बॉन्ड को तोड़ के लगाना है ए पे डबल बॉन्ड है, है? डबल बॉन्ड है क्या है यहाँ पे ए पे दांत तोड़ दूंगा मैं ए पे डबल बॉन्ड नहीं है मतलब ए पे तो आएगा ही नहीं सबसे कहा आएगा या तो बी पे या तो सी पे भैया डबल बॉन्ड लगा है उसी में से किसी पे लगाना है सी और बी अच्छा अब किसमें हाइड्रोजन ज्यादा है यहाँ दो यहाँ एक ओके okay. मतलब यहाँ पे सी पे लगा दो हाइड्रोजन बी पे लगा दो हेलोजन तो अपना प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा भैया गौर फरमाओ सी एस थ्री सी एच सिंगल बॉन्ड सी एस टू ठीक है यहाँ पे लग गया हाइड्रोजन और यहाँ पे लग गया सीएल कोई ऐसा जिसको ये खोपड़िया में नहीं गया तो मुझे बता दो कि भैया ये तो खोपड़िया में नहीं गया हमारे जादू हो गया कोई ऐसा है चलेगा क्रिस्टल क्लियर है, क्या बात है गजब चलो तो एक दो प्रश्न कर लेते हैं इस पे आसान सा प्रश्न चलो भैया तो अपने को दे दिया ये ये सीधा साधा प्यारा सा कंपाउंड बोलता क्या है कि इसमें डाला गया है एक मिनट रुक जाओ आ, हाँ एक चीज और इसमें है ये यहाँ पे ये भी लगा हुआ है ठीक है चलो बोला गया है कि इसमें डाला गया है एच बी आर बोलता क्या है क्वेश्चन ध्यान से सुनना पोजीशन ऑफ बी आर क्या होगा ध्यान दो। मैंने कहा पोजीशन दे रहा हूं ए बी सी या डी कहां लगेगा बी आर बी आर कहाँ लगेगा सोच के आराम से प्रेम से मुझे बता दो कि बी आर कहा लगाऊ ए पे बी पे सी पे या डी पे आदित्यराज गलत, रजिया गलत अनिकेत गलत प्रगति गलत अनिकेत सही शिवानी सही लेखिका गलत प्रीती गलत श्रेया गलत मिली गलत लेखिका गलत निकिता गलत पवनेश सही आदित्य सिंह गलत आदित्य मोहन सही रजिया गलत शुभम गलत प्रीति गलत रूपाली गलत रितु गलत रोशन गलत अदिति गलत कुंदन गलत संजना गलत फैला दियो रहता क्या बोला है मैंने हाइड्रोजन वहां जहां पहले से ज्यादा हो और कुछ भी हो वो डबल बॉन्ड के क्रॉस ही लगेगा डबल बॉन्ड के क्रॉस ही लगेगा भैया सी और डी तो ऐसे गया जो लोग सी और डी बोले क्या वो डबल बॉन्ड के क्रॉस का पोजिशन है डबल बॉन्ड के क्रॉस का पोजीशन है डबल बॉन्ड के क्रॉस का तो मतलब क्या हुआ सी और डी यही तो दो पोजीशन है जहां पे डबल बॉन्ड है भाई और कोई पोजीशन है भैया ये कहाँ लगाना है डबल बॉन्ड के क्रॉस लगाना है मैं लिख दू क्या यहाँ पे लो लिख दिया क्रॉस डबल बॉन्ड हालांकि ट्रिपल भी होता है जब ट्रिपल होगा तो बाद में देखेंगे ठीक है चलो मैं बीआर का ही पोजीशन पूछा हूं लेखिका बच्चा बीआर का पोजीशन कहां होगा मैं तो बोल रहा हूं चिल्ला चिल्ला के बीआर का पोजीशन बताओ मुझे लगता है सब हाइड्रोजन का बता रहे अरे भैया बीआर का बताओ कहां लगेगा सब रायता फैला रहे हो सब रायता फैला रहे हो अरे ध्यान दो यार ध्यान दो यहाँ पे ध्यान दो ध्यान दो जरा डी पे नहीं लगेगा सी पे नहीं लगेगा कोई ऐसा जो कहना चाहता कि हमको समस्या है डी और सी में कोई ऐसा जो कहना चाहता कि हमको डी और सी में समस्या है हमको नहीं पता डी और सी आप कैसे बोल दिए कि नहीं लगेगा हम तो बोलेंगे कि लगेगा क्योंकि डी और सी डबल बॉन्ड के क्रॉस नहीं है डबल बॉन्ड का क्रॉस का मतलब है कि जिस जगह पे डबल बॉन्ड है या तो बी पे है या तो ए पे है मतलब लगेगा या तो बी पे या तो ए पे कोई ऐसा जो कोई डी और सी को लेकर परेशान है तो बता दो भैया हम तो परेशान है डी और सी को लेके हमको समस्या है डी और सी को लेकर हम नहीं जानते हैं आप बताओ हमको कोई ऐसा जिसको डी और सी को लेकर समस्या है तो मुझे बता दो भैया कि डी और सी को समस्या है हमको लेके नहीं है आगे बढ़ो डी और सी में अपने को समस्या नहीं है अब बोला कि हाइड्रोजन डिसाइड करो हाइड्रोजन कहा जहां पहले से ज्यादा हो अरे भैया ए पे हाइड्रोजन ज्यादा या बी पे ज्यादे ए पे जा देना क्योंकि ए पे तो एटलीस्ट एक हाइड्रोजन है बी पे तो वो भी नहीं है बी तो ऑलरेडी चार बन बना चुका है कार्बन है कि इस कार्बन से और इस कार्बन से डबल बन बना चुका है तो बी पे तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है हाइड्रोजन बचा ही पे है ए पे हाइड्रोजन है ही भैया तो हाइड्रोजन बचा ही हुआ है सिर्फ और सिर्फ ए पे तो भैया हमको पता है कि अगर हाइड्रोजन लगा दोगे ए पे तो हेलोजन कहाँ लग जाएगा बी पे हमने हेलोजन पूछा है रितु बच्चा कि हाइड्रोजन लगेगा अगर ए पे यहाँ लगेगा हाइड्रोजन तो हेलोजन कहाँ लगेगा बी पे हाइड्रोजन जहां लगता है उसके अलावा जो बचा पोजीशन उस पे क्या लगेगा हेलोजन लगेगा तो कहाँ हेलोजन लगेगा भैया बी पे लगेगा कुछ खोपरिया में गया या पार कर गया मुझे ये बता दो कुछ गया खोपरिया में गया तो भैया आप प्रोडक्ट आपको क्या बनेगा प्रोडक्ट आपका बनेगा ऐसा कुछ सुंदर सा ये प्रोडक्ट बनेगा आपको और यहाँ लगा रहेगा बी आर और यहाँ लगेगा एच डबल बॉन्ड गायब डबल बॉन्ड गायब एक जगह बी आर एक जगह एच खेल खत्म हो गया सुबह डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा मेरे भाई श्रेया ये बताओ ये बेंजीनिंग है क्या दिस इज नॉट बेंजीनिंग दिस इज साइक्लोहेक्न बेंजीन रिंग ये होता है मेरे बच्चा देखो ध्यान दो यहाँ पे ये ये और ये अगर ये पूरा ये दिखे तो ही बेंजीन अदरवाइज नॉट बेंजीन ये बेंजीन नहीं है बहुत लोग इसको देख के कंफ्यूज करते हैं कि बेंजीन है नहीं है बेंजीन दिस इज साइक्लोहेक्न इसलिए दिया हुआ ये क्वेश्चन चलो अगला प्रश्न अगला सवाल आपके लिए हाजिर है लेखिका मैं फिर से वैसा ही क्वेश्चन दे रहा हूं चिंता मत करो बोला कि इसमें डाल दिया भैया हाइड्रोजन सॉरी इस इसमें डाल दिया है एच सी एल बोलता है कहा सीएल कहां लगेगा सीएल का पोजिशन बताओ कि सीएल कहां लगेगा ऑप्शन ध्यान दो ए डी ए बी सी या डी अब सही जा रहे हो खोपरिया में जा रहा है जा रहा है। कहा लगेगा सी एल मास्टर ज्यादा तो कहा तो हाइड्रोजन, पे, पे हाइड्रोजन तो है यहाँ ए पे तो हाइड्रोजन नहीं है बी पे एक हाइड्रोजन तो है इसका मतलब हाइड्रोजन ज्यादा यहाँ पे है इसका मतलब हाइड्रोजन लग जाएगा यहाँ पे यहां लग जाएगा सीएल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा यहाँ लगेगा सी एल यहाँ लगेगा एच कोई ऐसा जिसको अभी भी जादू हो गया कोई ऐसा जिसको अभी भी जादू हो गया नहीं हुआ क्या बात है गजब क्लियर है जबरदस्त यार क्या बात है समझ इंटेलिजेंट हो यार तुम लोग बस थोड़ा सा टाइम लगाते हो अपने इंटेलिजेंसी को लाने में बाकी सब ठीक है थोड़ा धीरे धीरे जलता है ना चलो ठीक है ध्यान देना इस खूबसूरत से कंपाउंड पे ज्यादा ही पास थोड़ा इसको दूर कर देता हूँ मैं हाँ आ गया मिली आ गया बोला इसमें एच डाला कहा लगेगा बी फिर से स्वयं सवाल बी आर का पोजिशन बताओ ऑप्शन दे रहा हूं ए बी सी या डी एक और ऑप्शन ई e. शिवानी वेरी गुड प्रीति वेरी गुड निकिता दी दिए हर्ष ठीक है साक्षी ठीक है अनिकेत ठीक है प्रगति ठीक है लेखिका गड़बड़ है मिली ठीक है नहीं मिली गड़बड़ सॉरी प्रीति गड़बड़ है आकांक्षा ठीक है संजना ठीक है चलो ध्यान दो मुझे ये बताओ डी और ई होगा क्या मुझे ये बताओ डी और ई होगा नहीं होगा क्यों क्योंकि एच लिया था डी और ई e पे कब लगता जब सिर्फ बी आर टू या सीएल टू लेता याद करो पीछे वाले रिएक्शन सिर्फ बी आर टू या सी एल टू लेते तो यहाँ लगता है डी ऑर ई पे नहीं इस बार लिया है एच बी आर एच बी आर मतलब डबल बॉन्ड के क्रॉस लेकिन बेंजीन रिंग में नहीं तो कौन सा पोजिशन बचा ए और बी में से कोई सी भी नहीं होगा ये भी गया बी और ए और बी में से हाइड्रोजन ज्यादा कहां है भैया ए पे हाइड्रोजन ज्यादा है तो यहीं पे गया हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या आ जाएगा बी आर मतलब पोजिशन क्या हो जाएगा बी पोजिशन हो जाएगा प्रोडक्ट कैसा बनेगा तो ये अपने पास बेंजीन रिंग रहेगा यहाँ पे ऐसे यहाँ पे लगा रहेगा बी आर यहाँ लगेगा कोई ऐसा जिसको जादू हो गया ये तो फटाफट बता दो भैया ये तो जादू हो गया समझ में नहीं आ रहा है अपने को तो क्लियर है ये सारे रिएक्शंस याद होने चाहिए मैं बहुत क्लियर बता रहा हूं सारे याद होने चाहिए इसमें कोई सुनवाई नहीं है कि याद नहीं होना चाहिए ठीक है एक और रिएक्शन है वो बिल्कुल फर्जी है वो ध्यान दो फाइनल रिएक्शन आज की ठीक है इसी तरह का रिएक्शन है वो भी ठीक है इफ If... वो नहीं लेके एच ये क्या ले लिया है सी सी एल फोर के साथ हेलोजन ले लिया है सीसीएल फोर लिया ध्यान रखना सी एस टू भी लेता सीसीएल फोर और सी एस टू भी लेता सी एस टू भी लेगा तो सेम है तो कभी अगर ऐसा दे देना तो बस कुछ नहीं करना अपने को ये बिल्कुल फर्जी रिएक्शन है कुछ नहीं करना डबल बॉन्ड के क्रॉस ना दोनों जगह पे हेलोजन चिपका दो डबल बॉन्ड के क्रॉस दोनों जगह हेलोजन चिपका दो पे कम कहालोजन कहा हाइड्रोजन ज्यादा हैं कहा कम सोचना ही नहीं है डबल बॉन्ड जहां दिख रहा है बस वो बेंजीन रिंग नहीं होना चाहिए बेंजीन रिंग नहीं होना चाहिए याद रखना तो सी सी और दोनों जगह लगा दो हेलोजन यहाँ पे लगा दो एक्स और यहाँ पे लगा दो एक्स कब जब ये ले लिया है x2 और ccl4 सोचना ही नहीं है बस ये याद रखना कि ये बेंजीन रिंग नहीं होना चाहिए बेंजीन रिंग होगा नो रिएक्शन ठीक है चलेगा चलो एक एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं बिल्कुल आसान सा फर्जी सा एग्जाम्पल, बिल्कुल आसान है यार ccl4 के प्रेजेंस में अगर ले लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है तो दुनिया का सबसे आसान रिएक्शन में से है बोलता क्या कि ये ले लिया इसमें डाल दिया बी आर टू और सी सी एल फोर मुझे बताओ कि किस किस जगह पे हेलोजन लगेगा कौन कौन से जगह पे ए बी सी डी ई एफ कहा लगेगा हेलोजन लो ऊपर दिखा दे रहा हूं मैं दो जगह लगेगा हेलोजिन कहाँ कहाँ लगेगा संजना गुड प्रीति गुड कुंदन गुड शुभम गुड अनिकेत गुड रितु गुड शिवानी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चा चलो ठीक है अपने को क्या करना है डबल बॉन्ड के क्रॉस लगा देना है कहां पे क्या अपने को क्या मतलब यार दोनों जगह तो हेलोजिन ही लगेगा तो अपने को सोचना ही नहीं है क्या प्रोडक्ट बन जाएगा ये बेंजीन रिंग ये ऐसे ऐसे और इन दोनों जगह पे क्या करना है डबल बॉन्ड को उड़ाओ यहाँ पे बी आर यहाँ पे बी आर खेल खत्म चलेगा चलेगा है? तो ये हो गए कुछ बेसिक से रिएक्शंस ठीक है जैसे आप हेलोजिनेशन मतलब आप बना सकते हो हेलाइड आप बना सकते हो जिससे ठीक है जितने रिएक्शंस बताए हैं अगले क्लास में वो सारे के सारे में से कोई भी क्वेश्चन उठा के दूंगा सॉल्व होना चाहिए मैं बहुत क्लियर कर रहा हूँ जितने एक्साम्पल्स कराएं खुद से दोबारा करो लेकिन सॉल्व अगले क्लास में होना चाहिए बहुत क्लियर बता रहा हूँ मैं ठीक है अब बाकी अब कुछ नया नहीं पढ़ा रहा जिसको डाउट है, है निकेत मैं स्लाइड सेंड कर दूंगा बाकी इसके डाउट है अपने डाउट पूछ सकते हो बाकी जनता जा सकती है जिसके डाउट है वो रुक जाओ बाकी जनता जा सकती है ठीक है थैंक यू थैंक यू मिली कुछ बोल रही थी मिली ऑडियो ऑन करना बच्चा कुछ है, कुछ बोले ना बुक का कोई तो मिली बोलो बच्चा क्या बोल रहे थे किस एनसीआरटी का कोई क्वेश्चन है एनसीआरटी क्वेश्चन है गुण गुण एक सेकंड से किसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन के पहले ही है वो एग्जांपल एक सेकंड एक सेकंड मेरे को खोलने दो पहले एनसीआरटी रुक चैप्टर नंबर टेन है ये ठीक है ठीक है आ, मिली मैं आ, वीडियो शेयर कर रहा हूँ आप एक बार मुझे बताना कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो थैंक यू बच्चा थैंक यू थैंक यू ठीक है आ, मिली ऑडियो ऑन रखना बाबू कहाँ गई

अरे यार मेरा तो मतलब जॉब करते को पता ही है सीन क्या है बहुत गड़बड़ चल रहा है मेरा अच्छा बहुत सुन मेरे तो दोनों तरफ से ना अभी बहुत गड़बड़ चल रहा है क्या हो गया पे भी करता है अर्पित की चीज़ें भी के बाहर कहीं पे भी कर वो ऑडियो ऑन था यार देखो मतलब बड़े बड़े अमाउंट बहुत छोटे टाइम में बहुत मुश्किल होता है मुझे पता है इसको बड़े अमाउंट चाहिए काफी बड़ा अमाउंट चाहिए <laughs> तो चलो ठीक है बाद बात करेंगे आ, कौन सा क्वेश्चन था मिली कहाँ गई मिली आवाज आ रही है मेरी आ, बोलो बच्चा कौन सा क्वेश्चन था गई पता है टेन पॉइंट थ्री टेन पॉइंट थ्री को नीचे से कोई क्वेश्चन है कौन सा क्वेश्चन है बच्चा बोलो एग्जाम्पल्स में कौन सा है ऊपर में है क्या अरे ऑडियो ऑन कर ले बच्चा तू हाँ बोलो so, यही वाला 10.3 एग्जांपल इसमें क्या बोल रहा है आइडेंटिफाई द पॉसिबल मोनो मोनो स्ट्रक्चर स्पेक्टर इसको बोला है ठीक है आपके पास लिया क्या है इसको बना लेते हैं अपन तो ये लिया है आपके पास सी सी से जुड़ा हुआ दो सी इससे जुड़ा हुआ सी इससे जुड़ा हुआ सी चलेगा ये स्ट्रक्चर क्लियर है मिली ये स्ट्रक्चर क्लियर है ऑडियो ऑन रखो बच्चा ऑडियो मत ऑफ करो क्लियर है ये स्ट्रक्चर इसमें तो कोई समस्या नहीं है ना ठीक no, है ओके okay. अब बोलता है इसका मोनोक्लोरिनेशन करा के क्या क्या पॉसिबल है तो देखो क्या क्या पॉसिबल है जहां जहां हाइड्रोजन है वहां वहां हटा के आप मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट बना सकते हो तो यहाँ एक हाइड्रोजन है यहाँ पे दो हाइड्रोजन है आपके पास यहाँ पे तीन हाइड्रोजन है ठीक है यहाँ पे आपके पास तीन हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी तीन हाइड्रोजन है तो मोनोक्लोरिनेशन किसका किसका करा के आप क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हो देखो तो कितने तरह के हाइड्रोजन है एक तो ये है एक ये है एक ये है और एक ये है यही चार तरह के हाइड्रोजन है कोई देखो सिंपल सा मतलब क्या है कि सारे कार्बन पे अब देखो एक इस कार्बन पे करा सकते हो इस कार्बन पे इस कार्बन पे जो पॉसिबल है और इन दोनों कार्बन को देखोगे ये ऊपर वाला या नीचे वाला तो ये दोनों दोनों सेम कार्बन है चाहे नीचे वाला पे एक हाइलोजन लगाओ या ऊपर वाले पे लगाओ बात क्या है बराबर है तो बेसिकली अपने पास कितने कार्बन पे हाइड्रोजन है जो पॉसिबल है मोनोक्लोरिनेशन दिखा सकते हैं एसपी थ्री वाले तो अपने पास कितने है? एक दो तीन और चार चलेगा मिली मिली yes, बस अब देखो इसने क्या किया इसने सबसे पहले इस वाले पे कराया है तो ये प्रोडक्ट बन गया. उसके बाद इसने किस पे कराया? और उसके बाद इसने क्या किया है सी एस टू सी एस सी एस सी एस नहीं एक जगह कुछ उल्टा लिख दिया गया मैंने और अच्छा हाँ इसने फिर लास्ट वाले इस पे करा लिया तो ये प्रोडक्ट बन गया चलेगा बोलो नेक्स्ट कोई डाउट चलेगा चलो ठीक है और कहा गया ऋतिक कहाँ है ऋतिक है क्या कि भाग गया ऋतिक मेरे को ऋतिक है तो हैंडरेज करो गायब हम तो वेट नहीं कर सकते पेज 284 का टेबल थोड़ा 284 एटी फोर का है ट्वेंटी ये कौन सा था ये भाई रुक जा रुके मेरे को देखने दे कौन सा पेज है यार ये कहाँ दिख रहा है टू एटी सिक्स अच्छा आदित्य रुक जा बच्चा रुक जा एक मिनट टू एटी फोर एटी टू एटी थ्री अब कौन सा एटी फोर का टेबल क्या जानना चाहता है क्या समस्या है अनिकेत कौन सा टेबल ये बोल रहा है क्या नेमिंग वाला बोला है क्या टेबल क्या जानना है इसमें बता कौन सा वाला कौन से में समस्या है आदित्य अल्कोहल वाला क्या समस्या है बाबू बताओ कॉमन नेम में प्रॉब्लम आ रहा है किसके कॉमन नेम में प्रॉब्लम आ रहा है मुझे ये बता दे बता देता हूं मैं याद रखना पड़ेगा विनाइल एलाइल तो याद रखना पड़ेगा ग्रुप कौन से हैं ये सारे ग्रुप आपको ध्यान रखने पड़ेंगे बाबू तब याद होगा या, तब होगा ऐसे नहीं होगा अनिकेत हवा में नहीं होता ये आदित्य क्या बोल रहा है कौन सा क्वेश्चन बोला अनिकेत ऑडियो ऑन कर ऑडियो ऑन करके बोल क्या समस्या है कहाँ गया

ओके सेकंड वाला क्या है सेकंड वाला ये चीज़ है सर ये आह नंबर कौन सा सिक्स्थ हाँ ऑर्थो क्लोरो ऑर्थो क्लोरोटॉलीन अबे टॉलीन ये देखना ये टॉलीन है ना ये पूरा ऐसे ऑर्थो पे लगा है क्लोरीन तो बोल दिया ऑर्थो क्लोरोटॉलीन क्या भेजे मैं कॉलिन क्या होता है बेंजीन के साथ सी एच थ्री ये सी एच थ्री को ऊपर लगा। ही लगाओ कहीं भी लगा रह सकता है okay. ओ भाई कहाँ आवाज आ रहा हाँ बोलो भाई कहाँ के आदित्यराज ओ आदित्य भाई भाई, भाई। सर, बोलो सर अल्कोहल वाला बता दीजिए एक बार क्या अल्कोहल वाला बोलो अल्कोहल से कैसे बनाते हैं अल्कोहल से मेथड तो याद करवा दिया ना मेरे भाई क्या इसमें परेशानी हो रही है बताया ना पीसीएल थ्री टू क्या समस्या हो रहा है उसमें? याद किया ये चार तेरे पास ये है जो इमार्टेंट इंपोर्टेंट है वो मैंने तेरे को पहले बोल दिया भैया देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जेड वाला सी एल टू वाला जिसको बोलते हैं ये इंपॉर्टेंट ये इम्पोर्टेंट और ये इंपोर्टेंट याद रखना है अपने को कि इन सब में कैसे लगता है समस्या क्या आ रहा है आदित्य ऑडियो ऑन करके बोल भाई समस्या क्या है? तो exactly जानना क्या चाहता है? तरीका तो जानना क्या क्या है 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 तो तो जानना जानना चाहता चाहता तरीका मैंने बता दिया सर इसको तो याद करना पड़ेगा बिल्कुल पूछेगा कभी नहीं पूछेगा रीजन चिंता मत कर जब तक तो एडवांस में तो पूछने वाला तो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है थोड़ा बहुत जो मैकेनिज्म आएगा वो जब सब बताऊंगा तो बता दूंगा मैं ठीक है ठीक चलो ठीक है फिर सभा समाप्त करते हैं चलो बाय